दिनांक 5 मई को जब 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हमने एक मामले में मधुबन थाने में की थी, उसके बाद में इन चारों आरोपियों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। गाड़ी की तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज भी हमें बरामद हुए थे, जिसमें 2 RCs भी शामिल थी। उन व्हीकलों के बारे में हमने गहनता से हम तफ्तीश की थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि जो 2 RCs हैं उनके जो एक्चुअल जो व्हीकल हैं वो हरियाणा में ही हैं, जबकि जो इन आरोपियों के पास में जो 2 RC थी वो एक्चुअल में फर्जी है, जाली है। इसके आधार पर हमने कल शाम को मधुबन थाना पुलिस स्टेशन में एक और FIR दर्ज की है और इसकी हम अभी जाँच कर रहे हैं। तो इनके पास कौन सी गाड़ियों पर वो RC लगा रखी थी और वो मूल रूप से गाड़ियां हैं कहाँ की? देखिए, जो बेसिकली 2 गाड़ियां हैं, एक ब्रेजा गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी, वो दोनों गाड़ियां फिजिकली एक पानीपत में और एक यमुनानगर में उपलब्ध है। इनके पास भी 2 गाड़ियां और है आरोपियों के पास में, लेकिन जो उनकी RC है वो इन्हीं गाड़ियों के RC से जो नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वो सेम है, लेकिन जो आरोपियों के पास में जो RC है वो एक्चुअल में प्राइमा फेसिया फर्जी लगती है। महाराष्ट्र पुलिस का ATS ले जाने की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, विभिन्न एजेंसियां जो भी इस मामले में जिनका भी थोड़ा बहुत संबंध है वो हमसे लगातार कोऑर्डिनेशन किए हुए हैं, उनकी टीमें भी यहां पर आई है, उन्होंने हमसे जो भी वांछित जानकारी उनको चाहिए वो प्राप्त की है। इसमें महाराष्ट्र की जो टीम है वो भी यहां पर आई थी। अभी तक कौन कौन सी टीमों ने पूछताछ की है सर? देखिए, काफ़ी टीमें, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, BSF, जो भी टीमें हमें संपर्क स्थापित करती है हमारे से, हम ये इंश्योर करते हैं कि उनको जो भी वाजिब जानकारी चाहिए वो उनको उपलब्ध हो, ताकि उनको भी अपनी लेवल पे कोई जांच यदि करनी हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। NIA ने भी पूछताछ की है? जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी संबंधित एजेंसियां हैं उनकी टीमें यहां पर आ भी रही है और हमसे जो भी वांछित जानकारी उनको जिस भी वे में चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी गाड़ियाँ रिकवर नहीं हुई है, लेकिन हमारी टीम गई हुई है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो मेन व्यक्ति जिसका हमने नाम आइडेंटिफाई किया है, जो एक्चुअल में सारे मामले में फर्जी RC बनवाने में जो हमें लगता है कि इन्वॉल्व रहा है, उसको गिरफ्तार करने हेतु टीम गई हुई है। इनको पंजाब में ले जाने की बात आई थी और उनके खाते वगैरह चेक करने की, तो उसको लेके क्या कुछ? देखिए, कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल हमें मिली है, जिसमें खासतौर पर गुरप्रीत नाम का जो आरोपी है, जिसने कुछ कैश डिपॉजिट्स काफ़ी सारे फिरोजपुर से किए हैं, उस अकाउंट की हमने डिटेल ले ली है। साथ ही आरोपियों को हम फिरोजपुर और तरन तारण इत्यादि जगह पे लेके गए थे, ताकि मामले की जांच है वो आगे बढ़ाई जा सके। बाहर से भी सर पैसा वगैरह आया है, पाकिस्तान से पैसा फंडिंग? अभी देखिए, बाहर वाला भी कुछ नहीं आया, लेकिन कुछ हवाला का जिक्र बीच में आया था, लेकिन उसको हम और वेरीफाई कर रहे हैं। बात चल रही है कि गिरफ्तारियों की जो ऐसा बूम कर रहे हैं, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक करनाल पुलिस ने इस मामले में कल 4 गिरफ्तारियां की है। 2 आरोपी आकाशदीप और जशन नाम के आरोपी फिरोजपुर पुलिस ने अरेस्ट किए थे, वो उनके वहाँ पर पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। जैसे ही उनका वहाँ पर रिमांड खत्म होगा तब हमारी तरफ से प्रोडक्शन वारंट माननीय न्यायालय में, इसके लिए हम एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। कल DGP साहब आए थे, उन्होंने पीठ थपथपाई होगी करनाल पुलिस। देखिए, सभी उच्च अधिकारियों की तरफ से यही निर्देश है कि इस मामले में बड़ी सजगता से काम किया जाए और जांच को सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक्चुअल में मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। एक जगह पे ऐसी चीज चल रही है कि ATS इनको रिमांड पे लेके गई है, उन्हें अपने कस्टडी में ले लिया है। देखिए, अभी जो चारों आरोपी है वो करनाल पुलिस की कस्टडी में है, अभी 10 दिन के पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आगे पुलिस रिमांड एक्सटेंड करवाना है या नहीं करवाना है, वो हम जांच के हिसाब से देखेंगे। बाकी किसी और एजेंसी को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। देखिए, जो भी मैंने आपको बताया कि संबंध में काफ़ी जानकारी सामने आई, लेकिन क्योंकि मामले की संवेदनशीलता और कुछ अभी चीज़ें हैं वो अनवेरीफाइड है, उनको वेरीफाई किया जाना जरूरी है, वो हमने संबंधित एजेंसी को जो जानकारी चाहिए थी वो उनको बता दिया है, वो उसके हिसाब से अपने मामले में वो देखेंगे। मोहाली से कोई तार सर? अभी तक देखिए ऐसी कोई बात सामने सर, करनाल में भी कोई संपर्क के बारे में? देखिए, इस जहाँ तक इस मामले का संबंध है या जो ये विस्फोटक ले जाना या हथियार ले जाना, इस संबंध में कोई अभी तक ऐसा कोई जो है वो आपस में लिंक सामने नहीं आया है। वो जैसे ही रिमांड समाप्त होने वाला होगा, हम कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारी टीम है उसके साथ में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे का निर्णय। राजवीर को कब तक लेकर आया जाएगा सर, क्योंकि वो मेन चेन? राजवीर भी अभी पंजाब पुलिस के किसी जो पुलिस स्टेशन वालों ने वहाँ पर उन्होंने रिमांड पर ले रखा है, जैसे ही वहाँ से रिमांड खत्म होगा और हमारे पास जानकारी प्राप्त हो जाएगी, हम माननीय न्यायालय में इसके लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे। थैंक यू।